हेलो गाइस, आपका मेरे न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज आया हूँ जो कि आपको देखकर बहुत गुस्सा भी आएगा और आपको इतना घरियाने का मन करेगा कि आप क्या बताएं। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा उस वीडियो की क्लिप दिखाता हूँ। वो एक फूल दिखाई देता है और वो उसको तोड़ने के लिए जैसे ही भागता है तो बेचारा फूल से आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से वो एक पहाड़ी के बीचों बीच फंस जाता है और वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही निकलता है तो वो पहाड़ी की दूसरी ओर गिर जाता है। तो हेलो गाइस, आपने इस वीडियो की थोड़ी सी झलक देखी जो कार्टून टाइप में है, जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है। और इस बात को मेरा एक दिमाग में इस चीज़ को समझ में नहीं आता है कि आप जो इस टाइप का जो वीडियो बनाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि आप जो वीडियो बनाए हैं वो जो वीडियो है ये किस एंगल से आपको लगता है कि ये नहीं समझा जा सकता है, नहीं समझ सकता। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है ताकि इसको बहुत आराम और बहुत आसानी तरीका से समझा सकता है। जो आप यहाँ पर बहुत सारे कांटे होते हैं और वो जैसे ही कांटों से जैसे तैसे करके निकल पाता है तो वो एक दलदल में फंस जाता है और तभी वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। तभी उसको एक रस्सी दिखाई देती है जिसे वो मुंह में दबा लेता है और वो रस्सी एक पेड़ से बंधी होती है। जब पेड़ अपनी तरफ खींचता है तो वो बेचारा पेड़ में ही फंस जाता है। पोंगी बनाई और गांड में डाल लीजिएगा, ठीक है? किस तरीके से बात कर रहे हैं? तरीके का मौका बहुत सड़ा आपके तरीका से आपको यहाँ कूटने के बाहर कूटे हैं। चलिए एक्सप्लेन उस चीज का क्या आता है जो चीज समझ में नहीं आता हो या जिसको चीज समझाना बहुत मुश्किल या कठिन हो, उस चीज का एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन इस बार तो हिरन पूरे पेड़ को ही खोद लेता है, लेकिन पेड़ में तो काफी ज्यादा वजन होता है इसलिए हिरन थोड़ा बहुत डगमगाता है और एक पहाड़ी के बीचों बीच जाकर फंस जाता है। लेकिन इस बार जब वो पेड़ से निकलता है तो वो एक और मुसीबत में फंस जाता है और तभी वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको सुधरेगा नहीं ना, क्या करेगा फिर? जब इन लोग सुधरते नहीं तो फिर भाऊ को बिगड़ना पड़ता है। फिर आ जाते वो ज्ञान, उसको एक फूल दिखाई देता है जिसे वो तोड़ने के लिए अपने मुंह में दबाता है, जिसकी वजह से उस खाई में कुछ हलचल होती है और ऊपर से पेड़ नीचे गिर जाता है और वो हिरन उसी पेड़ पर बैठ जाता है और उस पेड़ के ऊपर एक पत्थर गिरता है जिसकी वजह से हिरन ऊपर आ जाता है। वैसे आपकी प्यारी दादी का नाम क्या है कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी सब जैसे गायब ही हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि ये गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। बहनचोद, मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू का नेट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। तो गाइज, आप ये वीडियो देखें कि ये कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा या पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो और भी अच्छा तरह से बना सकूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट करें।